नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक गुरु। और यहाँ हम आपको जानकारी देंगे कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में अपना पैसा किस तरीके से लगाएं आप, और शेयर मार्केट में किस किस स्टॉक में पैसा लगाने में अपना प्रॉफिट होगा, या फ्यूचर या लॉन्ग टर्म के लिए अपन शेयर मार्केट में किन किन शेयर में बेटर इन्वेस्टमेंट कर सके जिससे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस हो। सबसे पहले दोस्तों आइए चलते हैं। सबसे पहले आप मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट आप किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, या आजकल कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिस तरह से एक तरह से मोतीलाल ओसवाल हो गया। उसके अलावा भी कई सारे ब्रोकरेज फर्म में जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गई, और उसके अलावा भी जैसे अभी रिसेंटली में दो तीन डिसीजन में कुछ लोगों ने अपने लॉन्च किए हैं चैनल्स, तो उसमें भी आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पर्टिकुलरली ब्रोकरेज काट के आपको बाकी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। बट पर्टिकुलरली मैं आपको एक गाइड करना चाहूँगा कि आप फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए आप POSB बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, या फिर प्राइवेट बैंक जो SEBI में रजिस्टर्ड हैं, जो उन्हीं में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। डीमैट अकाउंट मिनिमम 500 रुपीज़ में किसी भी PSU बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। ICICI, HDFC, एक्सिस या SBI सिक्योरिटीज सभी ने अपना एक पर्टिकुलरली सेगमेंट खोल रखा है, जिसमें आप इजी वे के अंदर अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा के उसमें आप डेली बेसिस पे डीलिंग कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसमें पर्टिकुलरली आपको एक ऐप मिल जाता है, उस ऐप में आप डेली जो भी टाइमिंग होता है मार्केट का, उस मार्केट के टाइम पे आप ओपन करके और अपनी डीलिंग कर सकते हो, बाय सेल अपने लेवल पर आप कर सकते हो। और पर्टिकुलरली आजकल बैंकों ने कस्टमर्स की सर्विस, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए आजकल हर बैंक ने अपने ब्रांच में एक एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करवा रखा है, जो आपको पर्टिकुलरली गाइड करता है कि आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि आजकल दोस्तों बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आप अगर पैसा लगाते हैं तो फ्यूचर में आपके पैसा डूबने के चांसेस 100% रहते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली बैंकों ने कस्टमर के फाइनेंशियल लॉस कम हो, इसलिए बैंक्स ने अपनी तरफ से एक पर्टिकुलरली पर्सन अपॉइंट किया हुआ है हर बैंक के अंदर, जो आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि आपको किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, किस शेयर में 8% रहते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली बैंकों ने कस्टमर के फाइनेंशियल लॉस कम हो, इसलिए बैंक्स ने अपनी तरफ से एक पर्टिकुलरली पर्सन अपॉइंट किया हुआ है हर बैंक के अंदर, जो आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि आपको किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, किस शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रॉपरली दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो मिनिमम PSU बैंक जो ब्रोकरेज मिनिमम से मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो उसमें आपका पैसा बचता है और शेयर्स जो हैं वो भी आपको प्रॉपर गाइड वे में देते हैं कि आपको इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदने हैं। क्योंकि अगर आप गलत कंपनी के शेयर खरीद लोगे तो फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको प्रॉपर गाइडेंस लिए बिना आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, क्योंकि कंपनी का आप पूरा पहले उसकी केस स्टडी कीजिए कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, कंपनी का मार्केट क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितने तरह के प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट कैसे मार्केटिंग करती है, कैसे उसका फाइनेंशियल, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से बंदे उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी में कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और मार्केट में उस कंपनी की डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। साथ ही साथ आप कंपनी की बैलेंस शीट भी स्टडी कीजिए कि कंपनी की मार्केट में, कंपनी का जो पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर, कंपनी का कितना डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है कंपनी का, कंपनी ने अपने जो शेयर जिन्होंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं उनको वो डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है, या कंपनी का जो कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, लास्ट ईयर में उसने कितना अर्निंग किया है, क्वार्टर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपने जो शेयर आपने कंपनी के ले रखे हैं उनमें
ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप इन चीज़ों के बारे में अगर स्टडी नहीं करेंगे और आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो फ्यूचर में आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में पता ही नहीं और आपने उसमें पैसा डाल दिया, इसका मतलब आपको नुकसान होने के चांसेस 100% है। इसलिए मेरी ये राय रहेगी कि आप सबसे पहले कंपनी की कैश स्टडी कीजिए, कंपनी का पूरा ओवरव्यू लीजिए, उसके बाद कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे आपका पैसा सेफ और सुरक्षित रहेगा। और कंपनी की सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो रजिस्टर्ड कंपनी है, सेबी में जो रजिस्टर्ड है, उसी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपका पैसा डूबने के चांसेस हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।